हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फायरबोल्ट टॉप 2 वॉच में आप व्हाट्सएप के मैसेजेस कैसे गेट करोगे। तो गाइस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा कि आपको व्हाट्सएप के मैसेजेस कैसे लेने हैं वॉच में। तो सबसे पहले आपको आपके फ़ोन से वॉच को कनेक्ट करना है। तो जो फायरबोल्ट टॉप 2 वॉच का जो ऐप है उसका नाम है DAFIT। तो DAFIT ऐप को मैंने इंस्टॉल कर लिया है, तब को उसको लॉग इन कर लेना है। जैसे कि मैंने ओके कर दिया, लॉगिन हो गया ऐप। अब यहाँ ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। ऐड डिवाइस के लिए आपको ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना ज़रूरी है। मैंने मेरे फ़ोन में ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन कर दिया है, तो अब ये वॉच फाइंड होगी। अब देखिए, मैंने ऐड डिवाइस पे क्लिक किया तो वॉच का यहाँ सीरियल नंबर लिख के आ गया। अब यहाँ वॉच की फ़ोटो लोड हो रही है, तो अब ये वॉच कनेक्ट हो रही है ऐप से। तो आप देख सकते हो कि ये ऐप से वॉच कनेक्ट हो चुकी है। अब आपको व्हाट्सएप के मैसेजेस लेने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में नोटिफिकेशंस में जाना है। तो नोटिफिकेशंस में आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ आपको एक व्हाट्सएप का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको उसको इनेबल करना है। तो इनेबल करने के लिए आपको ये ऐप को नोटिफिकेशन एक्सेस देनी पड़ेगी। फ़ोन की सेटिंग से आपको देनी पड़ती है, तो मैंने नोटिफिकेशन एक्सेस दे दी है इस ऐप में। तो अब ये व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस गेट के लिए एकदम रेडी है। तो अब यहाँ मैंने मेरा दूसरा फ़ोन खोला है। अब मैं यहाँ से व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस इसमें अब मैं यहाँ मैसेज करूँगा और आप देखना वॉच में आएगा। तो अब आप देखोगे तो यहाँ मैंने व्हाट्सएप खोल दिया है। अब मैं यहाँ मैसेज करूँगा, हेलो, और यहाँ हाउ आर यू। तो यह मैंने मैसेज कर दिया है। तो अब यह नोटिफिकेशन आएगी और अब आप देख सकते हो कि जो वॉच है उसमें भी नोटिफिकेशन आई और मैसेज भी आया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ व्हाट्सएप का लोगो भी आया है और नोटिफिकेशन भी आई और मैसेज भी आया है। तो गाइज, अब हम इसमें एक चीज़ टेस्ट करेंगे कि अक्सर जब भी हम मैसेजेस भेजते हैं ना तो वॉच में एमोजीज नहीं आती है। तो मैं चेक करूँगा कि इसमें एमओजी आती है कि नहीं। तो यहाँ मैं एमओजी भेजूँगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ लिख के आता है। आप देख सकते हो कि इस वॉच में भी एमओजी नहीं आती है। इस वॉच में सिर्फ लिख के आता है कि आगे वाले ने आपको एमओजी भेजा है। अब सपोज़ अगर हम यहाँ कुछ टाइप करेंगे, जैसे कि मैंने टाइप किया हेलो और उसके आगे मैंने यहाँ कोई एमओजी डाल दी, तो अब आप देख सकते हो कि इसके आगे ऐसा आएगा कि हेलो और फिर आएगा एमओजी। तो ये बात मेरे को ये वॉच की अच्छी लगी कि इसमें पहले मैसेज आता है उसके बाद लिख के आता है एमओजी। नहीं तो अगर आप स्मार्ट वॉचेस में देखोगे तो वहाँ एमओजी नहीं लिख के आता है, वहाँ स्क्वायर बन के आ जाता है। तो ये काफ़ी अमेजिंग है। तो अब मैं ट्राई करता हूँ यहाँ व्हाट्सअप कॉल का, देखते हैं वॉच में आता है कि नहीं। तो यहाँ मैंने व्हाट्सअप कॉल कर दिया है, तो आप देख सकते हो कि वॉच में व्हाट्सएप कॉल नहीं आता है। तो वॉच में व्हाट्सएप कॉल रिसीव नहीं होते, पर व्हाट्सएप कॉल की नोटिफिकेशन आ जाती है कि इनकमिंग वॉइस कॉल। तो ये भी काफ़ी अमेजिंग फीचर है। तो गाइस, आप आपकी कोई भी फायरबोल्ट की वॉच को व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, यही प्रोसीजर है उसको कनेक्ट करने का। तो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।